हेलो नमस्ते, क्या मुझे बता तो हाँ तो यही है नाथन फिलिप स्क्वायर। क्या मस्त दिख रहा है वैसे नज़ारे, और पब्लिक पूरी यहाँ देखने के लिए आती है, रात को टहलने के लिए आती है। बतख तो असली है ना, लोगों का कोई भरोसा नहीं। क्या बता, हाँ भाई राइटिंग वाइटिंग काफ़ी सही है, और जो वाइब है वो यहाँ की बहुत मस्त। मेरा फ्रेंड यहाँ डाउनटाउन में ही रहता है, तो अब मुझे पता चला कि वो डाउनटाउन में क्यों रहता है। बहुत लाइवली माहौल है, बहुत ट्रैफिक वाला है, मतलब गाड़ियाँ मतलब जैसे बाजू बाजू में तो चल रहे हो वैसे चलाते हैं सब, बट जो वाइब है वो मस्त है। विंटर में भी लाइक एवरीथिंग इज़ सो क्लोज, सो अच्छा ही रहता होगा। और इधर की लाइटिंग भी चेंज होती रहती है, तो उसके कारण फोटोज भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। अभी टर्न ऑन वाइट होगा तब बहुत तभी सही लगेगा, बट मजे है। भाई टोरंटो के डाउनटाउन में TCS है, जलवा है, जलवा रतन टाटा का स्वैग है, इंडिया का स्वैग है, जलवा है हमारा, प्राउड है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। BMO देख लो भाई, BMO। Where's the Dundas Square, man? That's you. See the screen then. भाई यार कितनी नजदीक नजदीक से साइकिल निकल रही है यार, गाड़ियां भी देखो बाजू बाजू में है। न्यूयॉर्क स्क्वायर, सॉरी, ओ उसका लाइट मॉडल है ये। हाँ लाइट मोड, और ये हो गया डंडा स्क्वायर राइट, या और इधर के सारे ग्लासेस और लाइटिंग के कारण भाई टोरंटो इतना मस्त लग रहा है यार। राइट लेना है, फिलहाल हम रुके हुए ब्रैम्पटन में। ब्रैम्पटन में कल रात को मतलब कितने 1 बजे जितने आए होंगे, और बस अभी कौन जन केवान अपने दोस्तों को मिलने गए, और मैं और अक्षय इधर है अभी रेडी हो रहे हैं। कल तो वीडियो ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाए, मतलब बोल नहीं पाए ज़्यादा, बिकॉज थोड़ा भागा दौड़ी में सब करना था, ऑक्शन था वगैरह वगैरह, और ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। बट आज पूरा जो भी टोरंटो घूमने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट शूट करके बताऊंगा। तो बस कुछ यू प्रकार हम रेडी होके हम निकले, और ये ब्रैम्पटन देख लो। आ गए भाई मंदिर में सब, सारे 4 जन मॉर्निंग में प्रॉपर इंडिया दर्शन करके थोड़ा टहल के निकल जाएंगे इधर से, जर्नी की शुरुआत करेंगे भगवान के आशीर्वाद से। यप, जर्नी की शुरुआत तो हो गई वैसे, कल ही हो गई, थोड़ा भी और थोड़ा आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सही बात है, अभी कुछ अच्छा लग रहा है भाई। देख लो बाउंड्री, देख लो हाईवे है, हाईवे के एग्जैक्ट बाजू में बड़ा सा मंदिर, और यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं। अभी इंडिया जैसा ही लग रहा है कि जैसे वो अपनी कंट्री में आए, हम उनकी कंट्री में नहीं आए। ये देखो यहाँ पे सब गरम खाना, सब जलेबी हो गई, चूरमा हो गया, चूरमा का लड्डू, फिर खमन वमन हो गया, हांडवा हो गया, फिर कचौरी हो गई वगैरह। हमने भी कुछ सामान ले लिया खाने के लिए, देखते ट्राई करते हैं, गरम खाना ही लिया वैसे तो, बिकॉज ये सब सामान तो मिलता है उधर, तो काफ़ी सही प्राइस है।
और वीकेंड का स्पेशल प्राइज भी हमें मिल गए। तो फिर बस अभी फाइनली इतना नाश्ता वास्ता करेंगे। बारिश होने लगी थोड़ी थोड़ी, बट आई थिंक सो, आई होप सो टोरंटो में बारिश ना हो। बस अभी आराम से नाश्ता करेंगे और सीधा पहुँचेंगे सीएन टावर। सीएन टावर पहुँच के फिर आगे का प्लानिंग करते हैं। ट्रैवलिंग में इधर गाड़ी चलाना बहुत थोड़ा ट्रिकी है, और पार्किंग ढूंढना तो उससे भी ज़्यादा ट्रिकी है। बट फाइनली पार्किंग मिल जाता है, और इधर का पार्किंग बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक घंटे का $5, $10, पूरे दिन का $30। हाँ, तो सीन टावर में थोड़ा बाद में जाने का प्लान है, अभी पहले एक्वेरियम में जाते हैं। दोनों की टिकट मिला के हमें कुछ 75 जितना हो रहा था, प्लस टैक्सीज वगैरह है। तो पहले एक्वेरियम जाने का प्लान है और फिर बाद में उधर जाएंगे। एक चीज़ और कि आप ऑनलाइन करवाओगे तो $2-3 सस्ता है, तो वो आप खड़े खड़े ही करवा सकते हो और इजी पड़ेगा और बेनिफिशियल भी है। और बाजू में ही एक्वेरियम है, तो आए तो देख ही लेते हैं। मीटिंग चल रही है, देख सारी मछलियों की उधर ऊपर। एम्बुलेंस के कारण सब पार्किंग में हो गए भाई। एक्वेरियम देख लिया, वैसे तो पैसा वसूल लिए,
$40 में, 40-45 डॉलर जो भी हुए, बट एक बार वन टाइम वॉच है। लक्की नहीं है इतने कि सारा बारिश हो रही है तो पता नहीं कैसा व्यू आएगा, बट अभी टिकट ले ली है और जाना तो पड़ेगा ही। बाजू बाजू में ही है पेडियम और दोनों, अभी तुरंत जाते हैं और ऊपर का व्यू देखते हैं। सिक्योरिटी चेक। चला, लेट्स गो टू सी द टोरंटो फ्रॉम टॉप। अभी इधर से ऊपर जाना है भाई, एंट्री ले ली, सेफ्टी चेक, मतलब मोबाइल वोबाइल सब अलाउड ही होता है। फाइनली बस अभी जाना है, ऊपर चढ़ना है लिफ्ट, ऊपर से नज़ारा देखना है। मेरा चार्जिंग बहुत कम है अभी, ये आईफोन की एक ही गलती है कि चार्जिंग अच्छा नहीं रहता, हर जगह पे चार्जिंग स्पॉट ढूंढना पड़ता है। ओके सुनाई देना बंद हो गया मुझे। कदमों में है टोरंटो, किसमें? कदमों में है टोरंटो। फॉग के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो इतना क्लियर ही सब दूर तक। तो यहाँ बिल्डिंग का तो व्यू आपने देख लिया, बिल्डिंग्स वगैरह का व्यू तो आपने देख लिया, अभी आपको बीच का व्यू दिखा देता हूँ। एयरपोर्ट, बीच और यहाँ पे रेलवे ट्रेन। अच्छा है विजिबिलिटी ठीक ठाक है तो देख पा रहे हैं, वरना विजिबिलिटी नहीं होती तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। हाँ ऊपर से दिख नहीं रहा था भाई, अभी बस गिलानी को मिलना है, गिलानी अभी है हमको ज्वाइन करेगा। उसने सुबह का 10 बजे का बोला था, अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे मिल रहा है। ऊपर से देख लिया, ऊपर से बस यही है कि हायरार्की बिल्डिंग दिखती है और नज़ारे आते, बस दैट्स इट। बस कुछ ऐसा ही, मतलब कुछ है नहीं, मतलब ज़्यादा सिर्फ चारों तरफ मतलब वो है एलिवेटर्स, एलिवेटर्स 1 मिनट में ऊपर ले जाती है। और 56 या 57 फ्लोर है केवन, 57 फ्लोर है ना, 65 फ्लोर्स है, 65 फ्लोर्स ऊपर 1 मिनट में लेके जाता है। अभी रोड क्रॉस कर लेते हैं ध्यान से।